रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे क्लोइन के नाम से जानता है। और एक बात याद रखो, यानी कि इस दीपक रिक्शा वाले को हेल्प करने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं। अरे लाखन, अरे जब मैं कोई गोरी तितली देखता हूँ ना, तो मेरे अंदर सैकड़ों काले कुत्ते दौड़ने लगते हैं। जॉनी, अब मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। मैं सुबह से अभी तक एक भाड़ा मारा नहीं हूँ, सुबह से इंटरव्यू भी दे रहा हूँ। लगता है ये लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद ही है। गेंडा स्वामी न तलवारन के धार से, न गोलियन की बौछार से, ये मर्दवा अगर डरेला तो सिर्फ परवरदिगार से। गेंडा स्वामी तनी पिछवाड़े भी ताका, ये कमांडोज है, तहार पाप है, पत्ता हिले से पहले ही गजिया काट देवेला। अरे गरीबी एक ऐसा डलडल है कि अगर एक बार गरीबी में ढसोगे तो ढसते जाओगे। पूछते हो कि रिक्शा काहे चला रहे, अरे लागल लागल झुलनिया पर ढक्का, बोलम कलकत्ता पहुंच गए। मैं रिक्शा चला रहा हूँ, इसी रिक्शे के से तो अपने माता पिता का भोजन चला रहा हूँ ना। हाँ। इसी रिक्शे से मतलब घर चला रहा हूँ, तो मैं इसे कैसे भूल जाऊँ। सही बात। ए पटना का दीपक रिक्शा वाला, मैं पटना वासियों से यह आग्रह करना चाहता हूँ, अगर कभी भी पेंडल रिक्शा में बैठना, तो किसी भी रिक्शा में बैठना, तो ये सोचना कि वो दीपक रिक्शा वाला ही है। अरे सब रिक्शा वालों में बैठना, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा यह प्रयास सफल रहा। क्या समझा, क्या समझा? न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। याद रखो। जनता जंक्शन में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। हर एक बिहारी में एक टैलेंट होता है और सबसे ज़्यादा बिहारी कुछ भी मेहनत से और दिल से करते हैं। तो हमारे साथ एक बिहारी भाई जो रिक्शा चलाते हैं, और इनके अंदर का टैलेंट कि ये अलग अलग आवाज़ निकाल लेते हैं। किनकी किनकी आवाज़ निकाल लेते हैं सर? क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार शर्मा। 50+ आवाज़ निकाल लेते हैं। किनका किनका? जैसे पृथ्वीराज कपूर हो गया, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, कैस्टो मुखर्जी वगैरह वगैरह, बहुत सारा नाम है। कुछ कुछ का एक दो तीन चार का आवाज जैसे निकाल कर बताइए। जी जी सुनाते हैं। बोलते बोलते थक चुके थे। हाँ मैं समझ रहा हूँ। सबसे पहले अजीत का आवाज सुना जाए। ठीक है। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे क्लोइन के नाम से जानता है। और एक बात याद रखो, यानी कि इस दीपक रिक्शा वाले को हेल्प करने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं। मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ना तो मेरा नाम लोइन है, मेरा नाम तो दीपक मिमिक्री रिक्शा वाला है। दीपक मिमिक्री रिक्शा वाला। अब लालू यादव का निकाल लेते हैं क्या? कोशिश करते हैं। अच्छा, किन का और निकाल लेते हैं? लालू जी का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कोशिश। अब बताइए कि आप रिक्शा क्यों चला रहे हैं लालू यादव जी के अंदाज में? मैं कोई मतलब स्क्रिप्ट लिख के बोलना पड़ता है ना। अच्छा, क्या बोलना क्या है कि रिक्शा चलान मतलब क्या? नहीं नहीं नहीं, आप लालू यादव का मैंने क्या बोलना था, रिक्शा के बारे में क्या बोलना था? ये रिक्शा इतना टैलेंट होने के बाद भी रिक्शा क्यों? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे पूरा पगलेटे हो का रे, अरे सुन, अरे रिक्शा क्यों चला रहे, अरे गरीबी, अरे गरीबी एक ऐसा डलडल है कि अगर एक बार गरीबी में ढसोगे तो ढसते जाओगे। पूछते हो कि रिक्शा काहे चला रहे, अरे लागल लागल झुलनिया पर ढक्का, बोलम कलकत्ता पहुंच गए। जी सर, कितने सालों से रिक्शा चला रहे आप? 20 साल से चला रहे हैं। कहाँ पे चलाते थे? पटनाई में भी? पटनाई में चलाते थे। लोहानीपुर, ये हो गया बाजार समिति, हो गया चकारम, हो गया बुद्धा कॉलोनी, हो गया आर ब्लॉक, हो गया ये इधर एक नंबर दो नंबर, मतलब बहुत जगह। कुछ करने का सोचा नहीं रिक्शा के सिवा कि हाँ और कोई काम? नहीं नहीं, पास इतना टैलेंट था, कभी ट्राई किया इंडस्ट्री में जाके? नहीं, मौका नहीं मिला, कोई लिंक नहीं था। हाँ ट्राई क्या करें, कोई लिंक नहीं था, मगर शौक था। शौक था मेरा बचपन से ही शौक था। जब 10 साल के थे मिमिक्री करते थे कि मुझे कोई भी किसी फिल्म में काम मिले। अच्छा। मैं हिंदी का तो हैसियत नहीं कर सकता, भोजपुरी उछपुरी मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, मेरा सपना सपना ही रह गया। फिर अब देखिए, जब मेरा उम्र 35 इयर्स का होल्ड मैंने हो चुका। कितने साल के हो गए? 35 35 साल। हाँ तब लोग मेरा मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब भगवान कब टैलेंट ना बिगाड़ नहीं जाता है। अब ये बताइए कि कुछ तो वजह होगी कि नहीं अभी भी आप रिक्शा ही चला रहे हैं, इस फील्ड में नहीं जा रहे हैं?
मैं रिक्शा चला रहा हूँ, इसी रिक्शे के से तो अपने माता पिता का भोजन चला रहा हूँ ना, इसी रिक्शे से मतलब घर चला रहा हूँ, तो मैं इसे कैसे भूल जाऊँ। सही बात, अपने मेहनत के कमाई से माँ बाप को खिला रहा हूँ, ये तो बड़ा गौरव की बात है। पढ़ाई लिखाई की थी आपने? थोड़ा बहुत पढ़े हैं। कहाँ तक पढ़ाई की? वही आठवां नौवां दसवां और क्या। सही है, आप मिथुन चक्रवर्ती का भी आवाज निकाल लें। हाँ, तीन दस निकाल। अरे वाह वाह जौनी वाह, अरे ये देख, ये पटना का दीपक रिक्शा वाला। मैं पटना वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, अगर कभी भी पेंडल रिक्शा में बैठना तो किसी भी रिक्शा में बैठना तो ये सोचना कि वो दीपक रिक्शा वाला ही है। अरे सब रिक्शा वालों में बैठना तो मैं ये समझूंगा कि मेरा यह प्रयास सफल रहा। क्या समझा, क्या समझा? अरे वाह जबरदस्त है सर। थक गए हैं आप? ना ना ठीक है। ये बताइए कि अब 20 साल से ये रिक्शा आप चला रहे थे, 20 साल के आसपास का वक्त हो गया, तो अब कैसा, अब क्या बदलाव दिख रहा है जब से आप मीडिया में आने लगे हैं? बदलाव तो सर आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है कि इतना लोग मेरा हेल्प कर रहे हैं। मेरी बहन को शादी करने के लिए मेरा तो पास पैसा नहीं था, अब तो बहुत लोग आगे आ रहे हैं। पता नहीं जो वो मनीष भैया जो फोन दिए हैं, उस फोन में कोई कह रहा है मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं बेगूसराय से बात कर रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ। अच्छा, मतलब अब आपको सपोर्ट मिल रहा है? हाँ सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। लोगों का प्यार मिल रहा है। अब कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो अच्छी चल रही है, आज हम रिक्शा निकाले तभी। अब यही बता दीजिए आप किसी और की आवाज में कि जिंदगी अब अच्छी चल रही है। जी हाँ, देव साहब का आवाज में। ठीक है जॉनी, अब मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। मैं सुबह से अभी तक एक भाड़ा मारा नहीं हूँ, सुबह से इंटरव्यू भी दे रहा हूँ। लगता है ये लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद ही है। मतलब तो अब लाइक एक भाड़ा भी नहीं दी, अभी सुबह से 1:30 बज के अभी तक एक भाड़ा नहीं। मैं कल से मैं इंटरव्यू देते ही आ रहा हूँ। मैं कल रात 11 बजे खाना खाया हूँ। 11 बजे? हाँ। अब तो पहले जो आपसे लोग या रिश्तेदार नहीं मिलते होंगे, अब तो वो भी कॉल कर देते होंगे। कैसे कहें, अभी तक तो कॉल नहीं आया, अब आने लगेगा। अब आने लगेगा। हाँ, हाँ, आज पड़ोस के लोग जहाँ पे आप रहते क्या कह रहे हैं? वो अच्छा कर रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं। अब आपके जो रिक्शा वाले भाई लोग हैं जो, वो मेरा बहुत जानता है, बहुत जानता है, इधर भी है, इनकम टैक्स में भी बहुत रिक्शा वाले मुझे जानते हैं। मैं रिक्शा वाला को डायलॉग सुनाया करता था, जैसे अमृतपुरी का सुनाते हैं ना, उनको डायलॉग सुनाया करता था। थक गए, कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अरे लाखन, अरे जब मैं कोई गोरी तितली देखता हूँ ना तो मेरे अंदर सैकड़ों काले कुत्ते दौड़ने लगते हैं। तो ये टैलेंट आप अपने रिक्शा वाले दोस्तों को सुनाया दिखाया करते हैं? हाँ, भाई हमारा आता है कुछ 50 आवाज निकाल लेते हैं। हाँ, तो बड़ा खुश रहते होंगे आपसे। मुझे एक ऐसा अभिनेता जो मुझे मैंने मतलब राजा मुराद का आवाज निकालने में हमको थोड़ा कष्ट होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा हमको आवाज राजकुमार का बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, राजकुमार का सुनिए जरा सा एक लाइन। वीर सिंह न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। याद रखो, यदि तुमने हिंदुस्तान के खात्मा के लिए कोई भी बात बताया तो हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना तो किसी कानून के किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी। जबरदस्त, मतलब भगा लिया आपको। तो आप तो भोजपुरी से कोई कांटेक्ट आया कि नहीं बड़के भैया? ना ना अभी तक तो नहीं आया। हाँ, एक कोई बोले क्या बाल नालंदा की नवादा की क्या नाम बताया। अच्छा चले, जो भोजपुरी वाले भैया लोग हीरो देख रहे होंगे, खेसारी लाल या पवन सिंह, उनका का कहना चाहेंगे? मैं कोशिश करूंगा कि राजकुमार के आवाज में भोजपुरी में तिरंगा का डायलॉग बोलूं। कौन सा? वही राजकुमार का देशभक्ति। हाँ, डायलॉग। हाँ, सुनाइए ना। पानी पी लें? हाँ हाँ, अरे पूरा पी लीजिए। तो ये भैया क्योंकि अब ऑन डिमांड है, क्योंकि कहते हैं टैलेंट बेकार नहीं जाता, और ये बिहारी, हर बिहारी के अंदर एक टैलेंट होता है, और इसका जीता जागता सबूत हमारे साथ भैया मौजूद हैं। एक बिहारी सब पे हाँ भारी होता है। हाँ, गेंडा स्वामी न तलवारन के धार से न गोलियन की बौछार से, ये मर्दवा अगर डरेला तो सिर्फ परवरदिगार से। गेंडा स्वामी तने पिछवाड़े भी ताका, ये कमांडोज है तहार पाप है, पत्ता हिले से पहले ही गजिया काट देवेला। तोहर भलाई यही में बा कि चुपचाप ठार रह,
अरे वो हमर छोटका पाइप डायनामाइट से भरल रह, याद रख, अगर हमर गमछा के हाथ लगत तो जड़ के राख हो जात। अरे अरे गर्दा गर्दा, तो भैया को बड़ा टैलेंट, और ये टैलेंट आप देख सकते हैं, भोजपुरी में काम करने का शौक है ना भैया? काहे नहीं, काहे नहीं, है ना? हाँ हाँ हाँ, मौका सामने से आएगा तो छोड़ेगा नहीं ना? छोड़ कैसे देंगे हम लोग, फिर भूल जाइएगा भोजपुरी, कैसे भूल जाएंगे, छोड़ने वाले को नहीं भूलेगा ना, भूल कैसे जाएंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तो नहीं नंबर लिख पाता, जैसे ये अब जनता बोलेगी, मैंने इनका इंटरव्यू ये मेरा लिए हैं, मैंने इनका नंबर सेव करके रखा है। चलिए वैसे ही सबका नंबर सेव कर लीजिए, हम लोग भी आपका नंबर सेव करके हैं, और थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 50 तरह की आवाज निकाल लेते हैं और इनका टैलेंट देखने लायक है। धन्यवाद।